गुरु पूर्णिमा पर इस साल क्या बड़ा संयोग बन रहा है, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है इसके मनाने का इतिहास और महत्व, नौकरी और व्यापार में बरकत लाने के लिए क्या है गुरु पूर्णिमा का योगदान, गुरु पूर्णिमा पर ना करें ये गलतियां, हो जाए सावधान। आइए आपको विस्तार से बताते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में अन्य तीज त्योहारों की तरह ही गुरुओं के प्रति सम्मान जताने का भी एक दिन तय है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वेदों शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, इसलिए तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु व शिव है, गुरु साक्षात ब्रह्म है, इसलिए हमें अपने गुरुओं को हमेशा नमन करना चाहिए। आपको बता दें कि गुरुओं को समर्पित दिवस गुरु पूर्णिमा इस साल 13 जुलाई को मनाया जा रहा है। सदियों से मनती आ रही इस पूर्णिमा का बेहद खास महत्व है। दरअसल आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की थी, इसलिए इस दिन महर्षि वेदव्यास को याद करते हुए लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं। शिष्यों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। कहा गया है कि इस दिन गुरु पूजन से जातक की कुंडली में गुरु दोष व पितृ दोष समाप्त होता है। गुरु के विशेष कृपा से नौकरी करियर व व्यापार में भी लाभ मिलता है। ऐसे में पूजा करने का सही मुहूर्त के बारे में आपका जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सही मुहूर्त और साथ ही कुछ गलतियों की भी जानकारी देंगे, जिन्हें भूल कर भी आप इस दिन ना करें। सबसे पहले बता दें कि पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 12 जुलाई की रात में 2:35 से शुरू हो रही है, इसलिए उदया तिथि में 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु मंगल बुध और शनि ग्रह के शुभ संयोग से रोचक शेष हंस और भद्र नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग के कारण इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। पूर्णिमा के स्नान और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय से पहले तक का बताया गया है। बता दें कि 13 जुलाई की रात में 12:06 तक ही गुरु पूर्णिमा का समय है, इसके बाद सावन महीना शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा वाले दिन इंद्र योग दोपहर 12:45 तक है, वहीं पूनम की चांद शाम 7:20 से दिखनी शुरू हो जाएगी। भद्रकाल सुबह 5:32 से दोपहर 2:04 तक रहेगा, तो वहीं राहुकाल दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक रहने वाला है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि शिष्य इस दिन गुरु का सम्मान करके और उनसे सीख व आशीर्वाद लेकर अपने दायित्वों का ग्रहण करते हैं। गुरु पूजन से विष्णु पूजा का फल मिलता है। गुरु के आशीर्वाद से पढ़ाई नौकरी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में बरकत मिलती है। अब हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे भूलकर भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे गुरु नाराज हो जाते हैं। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा जैसे तामसिक चीजों का सेवन नहीं करनी चाहिए। क्रोध ईर्ष्या जैसी चीजों से दूर रहनी चाहिए। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, ऐसे लोगों को इस दौरान तमाम सुख सुविधाओं से दूर रहनी चाहिए। अगर आप इस दिन अपने गुरु से भेंट करने जाते हैं तो खाली हाथ ना जाए, उनके लिए कुछ न कुछ उपहार साथ ले जाए। ध्यान रहे गुरु का स्थान सदा सर्वोपरि होता है, ऐसे में गुरु के समान आसन पर बैठना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा अपने से ऊंचा आसन दे। तो यह थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी जानकारियां। ऐसे ही विशेष जानकारियां पाने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।